अगर हम मन शांत करना चाहते हैं तो हमें क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को तुरंत छोड़ देना चाहिए। इन बुराइयों की वजह से हमारा मन अशांत रहता है, शांति नहीं मिलती है। गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। बुद्ध की ज्ञान की बातें सुनने काफ़ी लोग आते थे। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने रोज नियम से आता था और उनकी सारी बातें सुनता था। बुद्ध अपने प्रवचनों में क्रोध, अहंकार, लोभ, शत्रुता छोड़ने की बात कहते थे। बुद्ध के प्रवचनों का सार यही था कि इन बुरी बातों को छोड़े बिना जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। एक दिन उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा कि तथागत, मैं रोज़ नियम से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपकी सारी बातें सच है लेकिन मेरे जीवन में इनसे कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? उसने जवाब दिया कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। बुद्ध ने पूछा, ये जगह यहाँ से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने जगह की दूरी बताई। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा, तुम वहाँ कैसे जाते हो? व्यक्ति ने बताया कि कभी गोड्डे पर, कभी बैलगाड़ी पर बैठकर जाता हूँ। बुद्ध ने फिर पूछा कि तुम्हें वहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है? व्यक्ति ने पहुँचने का समय भी बता दिया। इसके बाद बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा कि क्या तुम यहाँ बैठे बैठे ही श्रावस्ती पहुँच सकते हो? इस प्रश्न के जवाब में व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, ये कैसे संभव है? इसके लिए तो चलना पड़ेगा, तभी मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। बुद्ध बोले कि हम चलकर ही हमारे लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। ठीक इसी तरह, जब तक हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे, उन पर चलेंगे नहीं, तब तक हम पर प्रवचनों का कोई असर नहीं होगा। सिर्फ अच्छी बातें सुनने से हमारा जीवन नहीं बदलता है, हमें प्रवचन को समझना होगा और उन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ आ गईं और उस दिन के बाद उसने भी बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। बुद्ध के प्रवचनों से व्यक्ति की सोच बदल गई और उसका मन शांत हो गया।